जी सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और आप बड़े क्यूरियस होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी और मेरी फिल्म के बारे में भी। इसके बारे में पहले ज़्यादा बात नहीं की लेकिन आज मैं आपको ज़रा इसकी डिटेल्स बताना चाहूँगा। एक तो ये फिल्म मेरे लिए मेरे करियर का सबसे बड़ा चैलेंज और ये फिल्म मेरी अब तक की सबसे हाई बजट फिल्म। एक साल में फिल्म मोमिन पहली मरतबा दो फिल्में लेकर आ रहा है, बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगा। इस साल कल्ब मोमिन के अलावा किसी और का सिक्का नहीं चलेगा। आप लोगों की बात वगैरह तो नहीं हुई कल्ब मोमिन से, इस फिल्म से रिलेटेड? देखिए बातचीत की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, कल्ब मोमिन के हर प्रोजेक्ट पर हम ऑन बोर्ड ही होते हैं। वी डू हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद कल्ब मोमिन फिल्म्स। ये फिल्म मेरी तीनों फिल्म से मुख्तलिफ, इसका सब्जेक्ट स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड, रूहानियत। एक्सक्यूज मी, आप रिपीट करेंगे प्लीज, आप किस टॉपिक पे फिल्म बनाने लगे? आई एम श्योर आपको लगा होगा कि आपने गलत सुना लेकिन आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इस फिल्म का सब्जेक्ट होगा स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत। मेरे पे अक्सर ये इल्जाम लगता है कि मैं औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता हूँ। मेरी फिल्म आइटम नंबर्स, ग्लैमर और अपस्केल लोकेशंस की वजह से ही हिट होती है। इस बार मैं जिस्म के बारे में नहीं बल्कि रूह के बारे में फिल्म बनाना चाहता हूँ। आइटम नंबर्स के बगैर मैं इस बार अपनी हीरोइन के जिस्म को पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करने की बजाय मैं उससे सोल सर्चिंग करवाऊँ, यू नो, फूड फॉर थॉट। मोमिन नशे में है ना? 100% नशे में, पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है आजकल। एनीवेज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शली और अब्बास का जो मेरी इस फिल्म में भी मेरे लीड। बाकी मेरी टीम वही होगी जो सनम में थी। इस फिल्म को हम दो तो सर घूम रहे हैं, चार पांच आइटम नंबर नहीं होगा तो फिल्म हिट कैसे होगी? तुमने तो फिर भी कुछ बता दिया उसमें, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस स्पिरिचुअलिटी की फिल्म में मैं क्या करूँगा। बैठे बिठाए स्पिरिचुअलिटी पर फिल्म, और वो भी इतने सारे स्कैंडल्स के बाद जो कि कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर आपको दरपेश हैं, तो क्या ये फिल्म उन स्कैंडल्स की वजह से आपका इमेज खराब होने की बेहतरी की तरफ कोशिश तो नहीं? देखिए जी, मैं रूमर्स और सोशल मीडिया स्कैंडल्स के ऊपर फिल्म बनाने का फैसला नहीं करता। ओके, एनीवेज नेक्स्ट वन। रूहानियत पे आप फिल्म बनाना क्यों चाह रहे हैं? कि आप भी दूसरे बहुत सारे जवानों की तरह बॉर्न अगेन मुस्लिम तो नहीं हो गए? ऐसी बिल्कुल बात, मैं अभी भी सिर्फ नाम का ही मोमिन। स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत पे फिल्म बनाने का मकसद यह है कि अगर मैं अपने आप को एक अच्छा फिल्म मेकर समझता हूँ तो फिर नॉन कमर्शियल टॉपिक्स के बारे में भी मुझे एक अच्छी और कामयाब फिल्म बनाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। और इस फिल्म के फाइनेंसर कौन होंगे? जी फाइनेंसेस ब्रांड्स का फैसला अभी तक नहीं हुआ लेकिन ये सिचुएशन मुझे मेरी पहली फिल्म में भी दरपेश थी। और उससे क्या हुआ था कि फाइनेंसेस की क्लाइन लग गई थी, सभी ऑन बोर्ड आना चाह रहे थे, तो उसके बाद हमने फिर मीटिंग्स करके खुद शॉर्ट लिस्ट किया कि हम किस ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं और किसके साथ नहीं करना चाहते। सो इस बार भी ऐसा ही होगा, तो हम मीटिंग करके फाइनलाइज, जैसे ही ब्रांड्स करेंगे फाइनेंसर फाइनलाइज होगा तो वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। नेक्स्ट वन, आपकी इस फिल्म का नाम क्या होगा? नाम अभी फाइनलाइज है। और कहानी क्या होगी? वेल एज आई सेड बिफोर, इसकी थीम फाइनलाइज्ड है लेकिन कहानी अभी जो है लिखना बाकी है। तो हमारी टीम में मुल्क के रेनाउंड राइटर्स हैं, उनमें से किसी को भी हम जो मेरे पे पूरा उतरेगा, जिसके पास बेहतरीन आइडिया होगा उसको ऑन बोर्ड लेंगे। और एज यू ऑल नो नाउ कि द फिल्म्स टॉपिक इज स्पिरिचुअलिटी, तो जो भी स्टोरी होगी वो इसी मेन टॉपिक के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करेगी। Anyways, I think के अभी के लिए इतना काफी है and thank you all for coming. You all have a good night. Thank you. Abbas, Abbas, आपसे एक सवाल है। Abbas, Abbas, excuse me. आपको कैसा लग रहा है? अभी एक स्पेशल फिल्म में वार्डरोब क्या करूंगी मैं यार, मतलब मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं ना इसमें। नहीं नहीं, तुम मुझे जरा स्टोरी पता चलने दो, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, बस मुझे करेक्टर्स पता चल जाए। जैसा भी हो स्पिरिचुअल स्टोरी है, ग्लैमर आखिर किस हद तक होगा इसमें? बड़ा ही कोई अमकाना प्रोजेक्ट है यार। आई एम सॉरी टीना, आई एम नॉट वेरी कीन टू डूइंग दिस। यार प्लीज़ कर लो, प्लीज़।
जी मोमिन, तो सर हम कब से शूट करेंगे आप? यार आई टोल्ड यू के जैसे ही फिल्म खत्म होती है तो आई गेस 8 या 10 महीने तक सनम की शूट स्टार्ट हो जाएगी. 8 से 10 महीने, दैट्स अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि आई लव दैट स्टोरी और मेरा ब्रांड बड़ा कीन था कि जरा जल्दी आ जाती. आई नो, आई नो. वेल वो तो जब आएगी आएगी, बट यू आर मोर देन वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. या वी वुड लव टू डू अ प्रोजेक्ट विद यू, बट द रीजन, द थिंग इज, स्पिरिचुअलिटी को मेरा ब्रांड क्या करेगा? यू नो, हम तो सेलफोन बेचते हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी का तो ऐसा सच मतलब कोई काम ही नहीं. तो ऐसा है कि आप ये फिल्म करें, इसके बाद नेक्स्ट फिल्म के लिए तो मतलब वी आर गेम. सो यू सेइंग दैट यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म? नहीं मोमिन, वी आर इंटरेस्टेड इन एवरी प्रोजेक्ट दैट यू डू, लेकिन जाहिर है ना, हर प्रोजेक्ट के लिए तो ऑन बोर्ड नहीं आ सकते. तो ये है कि वी कैन चूज करना होता है, और सनम हमारी तरह का प्रोजेक्ट है और उसके लिए हम आपके साथ जरूर आएंगे. फाइन, ठीक है, तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि इस फिल्म के लिए मैं भी कोई और ब्रांड देख लेता हूँ, बिकॉज मार्केट में भी बहुत ज़्यादा सेलफोन मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है, ओके, इफ यू विल एक्सक्यूज मी, टेक केयर.